अध्याय एक, मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन। बच्चों, मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं। काफी दिन पहले मेरे पास मेरे दोस्त की एक चिट्ठी आई। काफी पुरानी घटना है, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और लोग अपनी बातचीत चिट्ठियों के माध्यम से ही किया करते थे। उस चिट्ठी में मुझे मेरे दोस्त ने अपने भाई की शादी में बुलाया था और उसमें उसने जो बातें बताई थी उसे ये पता चलता था कि उसे गांव जाना कैसे है। मुझे याद आ रहा है कि उसने बताया था कि तुम प्रतापगढ़ जाने वाली बस में बैठ जाना और ड्राइवर से कहना कि प्रतापगढ़ के 20 किलोमीटर पहले एक मोड़ आता है जहां से सोनपुर के लिए रास्ता जाता है, वो तुम्हें वहीं उतार देगा। तो जिस दिन मुझे वो चिट्ठी मिली उसके एक दिन बाद मैं बस स्टैंड गया, बस में बैठा और उस सोनपुर जाने के लिए निकल पड़ा। तो बच्चों, सोनपुर की मेरी मजेदार यात्रा शुरू हुई। रास्ते के दोनों ओर बड़ा ही मनोरम दृश्य था। मैं ड्राइवर के पास वाले सीट पर ही बैठा था और उनसे मैंने कह दिया था कि प्रतापगढ़ के 20 किलोमीटर पहले जो चौक पड़ता है जहाँ से सोनपुर के लिए रास्ता जाता है, आप मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद बस उस मोड़ के पास पहुँची। ड्राइवर ने मुझे बताया कि आपको यहीं उतर रहा है और मैं वहाँ उतर गया। सड़क के तो दोनों तरफ रास्ते हैं, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, किधर जाऊं मैं? मेरे दोस्त ने तो ये नहीं बताया था। चलो ठीक है, इधर ही चलता हूं। बच्चों, उस दिन मैं इसी जगह पर खड़ा था। यहां से एक रास्ता इधर भी जाता था और एक रास्ता इधर भी जाता था। पहले मैं इस रास्ते पे गया और करीब आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन मुझे वो मोड़ नहीं दिखा जिसकी मुझे तलाश थी और जहां से मुझे अपने दोस्त के गांव की तरफ मुड़ना था। मैं वहां से वापस आया उसी जगह पर जहां से मैंने चलना शुरू किया था और वहां से फिर दूसरी तरफ मैं गया। बहुत दूर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ी दूर पर ही मुझे वो मोड़ दिखाई पड़ा। मैं बड़ा खुश हुआ और फिर वहां से मैं उस मोड़ से अंदर की तरफ चला गया और बहुत जल्दी ही मैं एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में जो व्यक्ति मुझे मिला उससे मैंने पूछा, भाई आपके गांव में अरमान जी रहते हैं क्या? वो सोचने लगा, अरमान शायद इस गांव में अरमान नाम को कोई व्यक्ति नहीं है, आपको जाना कहां था? मैंने उससे कहा, भाई मुझे तो सोनपुर जाना था। तो उसने कहा, अरे भैया यह सोनपुर नहीं है। तो मैंने पूछा कि अच्छा सोनपुर है कहां, ये बता दीजिए। तो उसने कहा, जिस मोड़ से आप इधर मोड़ गए थे वहां आपको मुड़ना नहीं था। मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर मैंने पूछा कि मुझे क्या करना था ये बता दीजिए आप। तो उसने कहा कि उस मोड़ से आपको सीधे जाना था। तो मैंने कहा, सीधे कितनी दूर जाना था? तो उसने कहा, करीब आपको 2 किलोमीटर वहां से चलना था। जब 2 किलोमीटर आप चले जाते तब आपको वहां से फिर एक मोड़ दिखता। मैंने कहा ठीक है। फिर वहां से वापस आया उस मोड़ तक और फिर पुराने वाले रास्ते को पकड़कर मैं आगे तक गया। करीब 2 किलोमीटर में चला आधे घंटे तक और वहां चलने के बाद मुझे वो मोड़ दिखाई पड़ गया जहां से मुझे मुड़ना चाहिए था। मैं बड़ा खुश था कि शायद मैं अब सही जगह पर पहुंच जाऊंगा। उस मोड़ से फिर मैं चलता रहा और थोड़ी दूर में ही मुझे वो गांव मिल गया। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो
तो वहां जो लोग मिले उनसे मैंने पूछा, भाई आपके गांव में अरमान साहब रहते हैं क्या? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ यही रहते हैं, अभी उनके यहाँ शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पूछा आखिर उनका घर कहाँ पर है, बता सकेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ से आगे चलते चले जाइए, थोड़ी देर जाने पे आपको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के एक तरफ आप जाएंगे तो आपको पतली से पगडंडी दिखाई पड़ेगी। अब उस पगडंडी से सीधे चले जाइए और तब तक जाइए जब तक आपको एक नीम का बड़ा झाड़ ना दिखाई पड़ जाए। नीम के झाड़ के पास ही अरमान साहब का घर है। मैं बहुत खुश हुआ और जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था उसके हिसाब से मैं चलता गया। मुझे गली भी मिली और गली जहाँ खत्म हो रही थी वहां पर तालाब भी मिला। तालाब के एक तरफ रास्ता दिखाई पड़ा, पगडंडी सी दिखाई पड़ी। मैं चलता गया नीम के पेड़ के पास पहुंच गया और वहां देखा कि शादी का माहौल था। मैं समझ गया यही मेरे दोस्त का घर है। बच्चों ये तो उस दिन की मेरे पहुंचने की कहानी हुई। वहां से लौटने पर मुझे लगा कि अगर मैं किसी को उसके घर जाने के बारे में अगर बताता तो कैसे बताता। तो मुझे लगा मुझे दो तीन चीजों का जिक्र जरूर करना चाहिए। जैसे पहला कि मैं अगर बस से उतरा तो मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो पहली बात जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि मेरी जानकारियों में दिशा जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और थी, केवल दिशा ही पर्याप्त नहीं थी, दिशा के साथ साथ शायद इस बात की भी जरूरत है कि हम ये बात करें कि आखिर उस दिशा में चलना कितनी दूर है। तो ये दूसरी जरूरी बात भी शायद मैं जरूर शामिल करता। और एक चीज और जो मुझे नजर आई वो ये थी कि रास्ते में चलते हुए मुझे जो जो चीजें नजर आती हैं, मंदिर दिखते हैं, तालाब दिखते हैं, पुल दिखता है, तो उनका भी जिक्र मुझे करना चाहिए। तो अगर इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए मैं नक्शा बनाऊं तो शायद उस नक्शे पर चलते हुए कोई व्यक्ति सही जगह पर पहुंच जाएगा। तो फिर मैंने नक्शा बनाया और वो नक्शा मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा।